आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के अकाउंटेंसी के 2019 में पूछे गए प्रश्न के सारे क्वेश्चन देखेंगे, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं इस सेट के क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, आय तथा व्यय खाता समानतः दिखाई देता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, अधिक के घाटा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट दान है। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, पूंजीगत प्राप्ति जो है विशिष्ट दान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, साझेदारी फर्म जो है निम्न में से अलाभकारी संगठन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समापन पर ख्याति खाता हस्तांतरित किया जाता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, वसूली खाते के डेबिट पक्ष में हस्तांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित करेंगे। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्षण को हस्तांतरित करेंगे। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, वसूली खाते में हस्तांतरित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म के समापन के समय चिट्ठे में दर्शाया गया सामान्य कोष का शेष क्रेडिट किया जाता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाना चाहिए। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, रोकड़ या बैंक खाता बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फर्म की कुल संपत्तियां 405,000 हो एवं कुल ब्राह लेन देन 55,000 हो तो साझेदारों की पूंजी की राशि होगी। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, 3,50,000 रुपये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही वसूली लाभ या हानि है। यदि संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि 40,000 कुल संपत्तियां 50,000 कुल दायित्व 15,000 व वसूली के खर्च 2,000 हो तो क्या होगा। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, 7,000 हानि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, बैंक खाते के माध्यम से फर्म के विघटन के साझेदारों की पूंजी के खाते बंद किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म के समापन पर होने वाला व्यय को कहते हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, वसूली व्यय कहते हैं फर्म के समापन पर होने वाले व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म के विघटन के समय साझेदारों की पूंजी खातों के क्रेडिट शेष का भुगतान किया जाता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, साझेदारों के द्वारा भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुरस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में लिया जाता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, डेबिट पक्ष के मूल्य में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध लेनदार 9,000 रुपये थे, उन्हें 5% छूट पर भुगतान किया गया, वसूली खाते को डेबिट किया जाएगा। जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, 8,550 रुपये डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ प्रभाव विवरण आधारित है। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, लेखांकन के रोकड़ आधार पर रोकड़ प्रभाव विवरण आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श तरल अनुपात है। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए बी है, A:1:1 जो है आदर्श तरल अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ प्रभाव विवरण तैयार किया जाता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, इनमें से सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श चालू अनुपात है। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, 2:1 जो है आदर्श चालू अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ समतुल्य में निम्न शामिल होता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी शामिल होता है, ट्रेजरी बिल, व्यापारी बिल, कम परिपक्वता वाले बैंक जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालन अनुपात है। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, लाभदायकर्ता अनुपात है संचालन अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोकड़ का स्रोत नहीं है। जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, स्थायी संपत्तियों का क्रय जो है निम्नलिखित में से रोकड़ का स्रोत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू अनुपात में शामिल है, तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी जो है चालू अनुपात में शामिल है, मतलब स्टॉक, लेन देन, रोगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगद बिक्री है, तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, विनियोजन क्रिया जो है नगद बिक्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल संपत्तियां 770,000 कुल दायित्व, 260,000 चालू दायित्व, 40,000 कुल संपत्ति माइनस ऋण अनुपात है, तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, 3.5:1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मद रोगर तुल्य है, तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, बैंक अधिविक्रंश जो है निम्न में से मद रोगर तुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालन व्यय है, तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, लाभदायक कर्ता अनुपात जो है संचालन व्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोगर व्यवहार नहीं है, तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, लेन देन में वृद्धि जो है निम्न में से रोगर व्यवहार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है, तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, बराबर बराबर में विभाजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, विभाजन लाभ निर्धारण के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी साझेदारी की विशेषता नहीं है, जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, सीमित दायित्व जो है साझेदारी की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारों की पूंजी स्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं, तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, पूंजी और चालू खाता खोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए हैं, तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, प्रभाव दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी समझौता कहलाता है, तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, साझेदारी संलेख कहलाता है, साझेदारी समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मूल्यांकन खाते में क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष पर अधिक्यय को कहते हैं, तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, लाभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी और सी का फर्म में साझेदार है, यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो क्या है, तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, वो ऑप्शन सी है, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ प्राप्ति अनुपात है, तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात लाभ प्राप्ति अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक्यय कहलाता है, तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, अधिलाभ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नए साझेदारी के प्रवेश के समय पुस्तकों को लाभ हानि खाते का कोई शेष है, इसे हस्तांतरित किया जाएगा, तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए साझेदार द्वारा नगद में लाई गई ख्याति कहलाती है, तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, संपत्ति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब और स 1:2:1:3:1:6 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, स अवकाश ग्रहण करता है, प्राप्ति अनुपात है, तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, 3:2 जो है प्राप्ति अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है, तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, किसी साझेदार की अवकाश ग्रहण करने पर लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की ख्याति दी जाती है, तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में अवकाश ग्रहण करने वाले लोगों को साझेदार की ख्याति दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रों पर ब्याज की दर होती है, तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, निश्चित दर पर ऋण पत्रों पर ब्याज की दर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्र का प्रतिफल है, तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, ब्याज जो है ऋण पत्र का प्रतिफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के खाते के शोधन पर प्रीमियम है, तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं के ऋण पत्रों के रद्द होने से होने वाला लाभ है, तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, पूंजीगत लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होती है, तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, चुकता पूंजी सम्मिलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन है, तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, पूंजीगत लाभ निर्गमन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल एफ के अनुसार ग्रामीण याचना पर ब्याज की अधिकतम दर है, जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, 12% प्रतिवर्ष अधिकतम दर है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।